डैम का कंट्रोल रूम बना था, उसमें ये निर्माणाधीन छत थी, भरी जा रही थी, शेटरिंग लगी हुई थी, उसमें आग लगी थी। जो पुलिस जाब्ता मौजूद है, SDM साहब मौजूद हुए, उस पर दमकल है, काबू पा लिया गया है। सवा 10 बजे सूचना मिली थी कि यहाँ एक कंपनी जो है DV, उसके काम चल रहा है, उसमें अभी आग लगी है। अब आग का कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, पर लगभग ये पूरी बिल्डिंग में इनकी शटरिंग लगी हुई थी, शटरिंग में पूरी आग लग गई है और अभी आग पे लगभग काबू पा लिया गया है। एक विशेष ऐसे पे रही है, सबसे कम आग लगी थी। हमारे एक पास में गार्ड था, उसने मेरे को कॉल किया कि अपने DV कंपनी में आग लग गई है, तो मैंने उसी टाइम रवाना होते वक्त हमारे जिला परिषद सदस्य और सरपंच प्रतिनिधि खिराज राम जी हुडा, उनको मैंने कॉल करके सूचना दी। मैंने कहा कंपनी वालों को कॉल कर दो, आग लग गई है, और मैं गाड़ी लेके यहाँ आया, जब तक यहाँ कोई नहीं था, उधर वाले गार्ड वाले वो आगे थे, और उनके बाद में हमने आगे सूचना और मीडिया कर्मी को भी सूचना दी। उसने दिखावे के लिए इन्होंने 2 गाड़ियाँ फायर की रखी हुई है, एंड अभी तक यहाँ नगर पालिका की 2 गाड़ी और 1 CETP की गाड़ी आई है। इनके SPCL इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उनके पास न कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। रिफाइनरी के अंदर एक कंपनी में आग लग गई, उनके करोड़ों का नुकसान हुआ, और उसके बाद भी उन प्रशासन नहीं सहयोगित हुआ है SRL, और अभी वापस ये इतनी बड़ा आग लग गई है, एंड अभी प्रशासन इनके अधिकारियों ने कोई उनके कानों में जू तक नहीं रेंक रहे।